और कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अविनाश, आपने एनटीपीसी का रिजल्ट देखा था, काफी अच्छा रिजल्ट आया और स्टॉक आज भी काफी अच्छे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन देख रहा है, क्या इसके अंदर ट्रेड और भी है यहाँ से भी? अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए पावर जनरेशन और यूटिलिटीज का जो बिजनेस है वो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में भी काफी स्ट्रांग रहेगा। ओवरऑल पावर का कंजम्पशन बढ़ गया है और पावर जनरेशन की जो टैरिफ्स की जो बात है वहां पे भी गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है कि यहाँ पे हो सकता है कि टैरिफ इंक्रीज मिले। सबसे बड़ी बात, एनटीपीसी के पास बहुत ही बड़ी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसका डेफिनेटली जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो आपको आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट को में काफी वोलेटाइल मार्केट्स में भी काफी स्टेबल पोजिशन दिखा सकते हैं और ये परफॉर्मेंस तो उम्मीदों से काफी बेहतर है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है, मैं समझता हूँ इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अर्निंग्स ग्रोथ मेरे ख्याल से आने वाले साल में काफी अच्छी रहेगी और ये कंपनीज को प्राइस टू बुक वैल्यू पे वैल्यू की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू काफी रीजनेबली अट्रैक्टिव है। तो अगर यू नो साल डेढ़ साल का नजरिया है तो डेफिनेटली पावर यूटिलिटीज में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाइड स्टॉक। एग्रोवेट में फ्राइडे को एक आप डीपी आप कुछ कह रहे हैं? मैं एनटीपीसी के बारे में एक्चुअली बताना चाहता था क्योंकि एनटीपीसी ने जिस तरह का मार्केट का रिवर्सल दिखाया, यानी कि जब बाजार टूट रहा था एनटीपीसी चढ़ रहा था और ये अभी भी वही सिग्नल दिखा रहा है, इसका डबल बॉटम का एक बेस बना हुआ है। प्रशांत तो और अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में आपको, ये शेयर अभी भी और चल सकता है। देखिए देखिएगा ये जिस समय बाजार टूट रहा था, ये 30 मार्च के से दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको लाइन दिख रही होगी, ये नॉन स्टॉप चल रहा था और 30 मार्च से आप मार्केट को जानते हैं नॉन स्टॉप टूट रहा था, तो बिल्कुल इसका रिवर्सल है और अब इसका डबल बॉटम है, यानी कि अभी शायद शेयर जल्दी जल्दी यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। है स्लो मूवर बट जब चलता है तो फिर हाथी की चाल। एक्चुअली HDFC म्यूचुअल फंड ने बहुत ऐड किए हैं एनटीपीसी अपने पोर्टफोलियो में, बड़े बायर रहे हो वो हमारे चैनल पे बता के भी कर। इसने फ्राइडे में एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और प्रमोटर ने खुद माल खरीद लिया था टेमसेक का, टेमसेक का माल उन्होंने खरीद लिया था। प्रशांत, गोदरेज एग्रोवेट के चार्ट जरा स्टडी करके बताएंगे वहां पे क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, तो बहुत क्लियरली एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, नॉर्मली कंसोलिडेशन के बाद ही मूव स्टार्ट होती है, तो अभी करीबन 500-510 की रेंज में चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि डाउनसाइड बहुत क्लियर है, हमें 495 का स्टॉप लॉस रखना है, तो जब तक 495 इंटैक्ट है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट अहम लेवल इसका ये होगा कि 530, अगर ये 530 के ऊपर क्लोज हो जाए तो शायद इसमें मोमेंटम बाइंग आ सकती है और ये बहुत तेज ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल फर्स्ट टारगेट हम 530 रखेंगे, 530 के ऊपर और ऐड करेंगे और पूरा पोजिशनल स्टॉप लॉस हमारा 510 पे लाके रख देंगे। मुझे लग रहा है 530 के ऊपर ये इमीडिएटली 560 से लेके 570 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक चीज अजय, आप इसमें